वहां पर प्रशासन के द्वारा जो न्यायालय के आदेशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, अनेक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। लोगों ने स्वतः ही अतिक्रमण हटाया क्योंकि प्रशासन ने पहले से सूचना दी हुई थी। कल बनभुलपुरा क्षेत्र में जब पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, वहां पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई। और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको खराब करने का कुछ लोगों ने काम किया है, उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया है, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी और सख्ती से काम किया जाएगा। पत्रकार साथी और जो अन्य लोग जो घायल हुए हैं, जिनको चोटें लगी हैं, हम उनके साथ हैं, उनकी पूरी देखरेख हम करेंगे, लेकिन जिन्होंने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पर प्रशासन के द्वारा जो न्यायालय के आदेशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, अनेक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। लोगों ने स्वतः ही अतिक्रमण हटाया क्योंकि प्रशासन ने पहले से सूचना दी हुई थी। कल बनभुलपुरा क्षेत्र में जब पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, वहां पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई। और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको खराब करने का कुछ लोगों ने काम किया है, उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया है, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी और सख्ती से काम किया जाएगा। पत्रकार साथी और जो अन्य लोग जो घायल हुए हैं, जिनको चोटें लगी, हम उनके साथ हैं, उनकी पूरी देखरेख हम करेंगे, लेकिन जिन्होंने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।